हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज की चर्चा थोड़ी जनरल होगी और गीता से रिलेटेड ही चर्चा हम करने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि श्लोक की चर्चा करते करते कुछ ऐसे शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं और वो शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। और उसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत बार प्रयोग में लाया गया है, बहुत सारे श्लोकों में प्रयोग में आया है, और यदि वो उस शब्द का अर्थ ठीक नहीं समझा गया तो पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो पूरा श्लोक का अर्थ बिगड़ जाता है, और यदि एक श्लोक का अर्थ बिगड़ गया तो पूरी गीता का अर्थ ही बिगड़ जाएगा। और भगवान कृष्ण या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उसका यथार्थ मतलब क्या है, तो सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, बदल सकती हैं। और यदि एक बार उसका मतलब मीनिंग बदल जाए और वो मीनिंग किसी के मन में घर कर जाए, गलत मीनिंग, तो वो गलत निष्कर्षों की तरफ पहुंचता जाता है और चीज़ें बिल्कुल उलट पलट हो सकती हैं। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द आता है, समभाव। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते वक्त संभाव का बहुत प्रयोग करते हैं। इसके पहले भी मैंने जो एपिसोड बनाया था, जस्ट इसके पहले, उसमें भगवान ऐसे मनुष्य की बात करते हैं जो गुणातीत है, जिसको गुणातीत कहा जा सकता है। और उस श्लोक में उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति दुख में सुख में संभाव रहता है, लाभ हानि में संभाव रहता है, जीवन की जो भी द्वैत वाली परिस्थिति है, अच्छा बुरा कुछ भी हो, कोई परिस्थिति हो, उसमें संभाव हो। और फिर ये भी कहा कि सभी कर्मों के आरंभ का जो त्यागी है वो गुणातीत है। तो इसमें संभाव, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहला जो आता है ख्याल संभाव का, लोगों के बीच जो सुनने वाले हैं उनको ये आता है, और बहुत से समझाने वाले भी ये समझाते हैं कि जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें अफेक्टेड नहीं होना है उससे अफेक्टेड नहीं होना, जबकि हम अफेक्टेड होते हैं। हमारे जीवन में दुख आते हैं, बिल्कुल अफेक्ट पड़ता है उसका, हम उदास होते हैं, चाहे एक दिन के लिए हो, एक घंटे के लिए हो, या जिंदगी भर के लिए हो। सुख आता है तो हम सुखी भी होते हैं, अफेक्टेड तो होते हैं। तो जीवन प्रैक्टिकली तो कुछ और होता है और प्रवचन में कुछ और बताया जाता है, और वो संभव नहीं हो पाता। तो दो संभावना है कि संभव क्यों नहीं हो पाता। एक तो ये है या कि हमने अर्थ ही उसका गलत समझा है संभाव का, और दूसरी संभावना ये है कि यदि ठीक समझा है तो वो समझ पूरी कंप्लीट नहीं हुई हमारे अंदर। तो ये है। तो शर्मा जी, इस शब्द के लिए पहले मैं बोलूं या आप बोलेंगे? नहीं, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, संभाव में आप बोलो। मैं तो बोलूंगा, फिर मैं तो उल्टा ही बोलूंगा, सीधा तुम्हें बोल, मेरी आदत नहीं ना बोलने की। हाँ नहीं, बिल्कुल मतलब यथार्थ बोलना है, मैं उल्टा सीधा की, उल्टे सीधे की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं, मुझे एक छोटी सी, मैंने कहीं पढ़ी थी ये कहानी, ठीक है, और वो कहानी मुझे बिल्कुल सटीक लगती है संभाव को समझाने के लिए, कि संभाव क्या होता है। तो उस कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है, संभाव की बात। एक गांव था, उस गांव में एक महात्मा रहते थे, हालांकि गांव के थोड़े बगल में रहते थे, और कुछ लोग आते थे जाते थे उनके पास, कुछ प्रवचन भी करते थे, सच्चे महात्मा थे वो। तो एक उनके पास एक नाबालिग लड़की भी आती थी 16-17 साल की, तो वो भी आती थी, बाकी लोग भी आते थे। तो काफी दिनों के बाद आना जाना लगा रहा, तो वो लड़की गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो उसके घर में तो शोर शराबा हो गया,
पूरे गांव में शोर शराबा हो गया, एक मतलब मुद्दा बन गया कि ऐसा कैसे हुआ, ये तो नाबालिग है, शादी भी नहीं हुई है। और तो उससे पूछा गया काफी दबाव डाल के, तो वो बता नहीं पाई, वो खामोश रही, वो नहीं बता पाई। जिसके साथ भी उसका संबंध जुड़ा या क्या हुआ तो बता नहीं पाई। तो उसके घर वालों ने ये अंदाजा लगाया कि ये जो है उस महात्मा के पास जाती है। तो उस लड़की के घर वालों ने गांव वालों को बताया, और गांव वाले सब इकट्ठे हो गए लाठी डंडा लेके और हथियार समेत महात्मा जी के कुटिया में चले वो। और वहां गए और उन्होंने धमकाया कि आपके पास आती है और आपने ही ये गड़बड़ की है, इसके साथ जो भी कुकृत्य किया है वो आपने किया है, ये कुछ नहीं बोल रही मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास आती है। या महात्मा ने तो पहले हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं मेरा कुछ और काम है, बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो गांव वाले माने नहीं। तो महात्मा ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आप क्या चाहते हो ये बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, ये जिस बच्चे को जन्म देगी उस बच्चे को आप रखोगे और इसको भी आप रखोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा भी महात्मा जी के साथ रहा और लड़की भी रही। कुछ साल बीत गए, लड़की को थोड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे मुंह नहीं खोलने से, मेरे कुछ भी नहीं बताने से ये महात्मा की बदनामी भी हुई, और अभी तक तो बदनामी है और बहुत छुटपुरी है। तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने माँ बाप के पास गई और सारी कहानी बताई कि वो किसके पास जाती थी, उसके साथ किसने ये कुकर्म किया, ठीक है, ये वैसे हुआ। तो माँ बाप को बताया उसने, फिर माँ बाप ने गांव वालों को बताया, और फिर जिसके साथ संबंध था उस लड़की का उसके पास गए वो लोग, और बात बिल्कुल सत्य निकली कि उस लड़के का नाम बताया था, उस लड़के ने हाँ कहा, और बात जो सच्चाई खुल गई, खुल के आगे सामने। अब गांव वाले और उसके माँ बाप, ठीक है, हाथ जोड़ते हुए महात्मा के पास गए कि महात्मा जी बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि जिसने ये गलत काम किया था वो तो कोई और है, वो हमें मिल गया है, हमसे बहुत भूल हो गई, क्षमा करें। और लड़के को हम ले जाते हैं, बच्चे को भी। तो महात्मा ने सहज ही कहा कि ठीक है, लड़की को ले जाओ और बच्चे को भी ले जाओ, कोई बात नहीं। तो इस कहानी में जो महात्मा का जो भाव था वो संभाव था। विपरीत परिस्थिति थी फिर भी उसको स्वीकार किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया 100%। ये मतलब अनुकूल परिस्थिति आई, ठीक है, सच्चाई सामने आई, ठीक है, महात्मा गांधी सॉरी महात्मा का पे जो लांछन लगाया था लोगों ने वो लांछन हटा, तो उसके लिए भी भाव उनका सम रहा, उसको भी एक्सेप्ट किया उन्होंने कि ठीक है, पहले बच्चा आपने दिया था, ठीक है, यहाँ है, अब बच्चा लेना चाहते हो ले जाओ, लड़की को लेना चाहते हो ले जाओ, लांछन लगा था, ठीक है, और लांछन खत्म हो गया फिर ठीक है। तो इस तरह के भाव को हम संभाव कह सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये जो ये ऐसा संभाव की जो स्थिति आपने बताई महात्मा जी की है, वो ये हमेशा इसका सरल स्वभाव जी, इसके इसके जो पहचान है, एक तो है इसकी इसकी सरल स्वभाव, और दूसरी उसकी पहचान है सम की, कि हृदय की निर्मलता, निर्मल हृदय। तो ये दो चीज अगर रहेगी तो सम कहा जा सकेगा। मगर अगर जैसे मैंने बोला था कि मैं उल्टा बोलूंगा तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब जैसे मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैंने गीता पढ़ ली है, संभाव में मैं हूँ,
भाई दुख में, अब हम उल्टे तरफ जा रहे हैं, दुख में दुखी नहीं होना और सुख में सुख को नहीं मानना। तो अगर मान लो किसी के घर हम गए और वहां पर कोई मौत हो गई और वहां सब बिलख के रो रहे और पूरा घर रो रहा है और हम वहां जाकर के हम भी पहुंचे तो हम जाके वहां चुपचाप बैठ जाएं, तो अगर कोई कहे कि भाई साहब आपके तो आंसू भी नहीं आ रहे, तो हम उससे ये कहें कि भाई साहब देखो आप सब लोग रो रहे हो, दुख से दुखी हो रहे हो, हम सम भाव में, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे, हम सम भाव में हैं, हम दुख से दुखी नहीं होते और सुख से सुखी नहीं होते, हम सम भाव में। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। वो महाराज जी एक तो सरल स्वभाव में है और दूसरे बात हृदय से निर्मल है। अब हृदय की निर्मलता अगर आपके किसी के अंदर है, हृदय की निर्मलता और सरल स्वभाव है, तो जैसे उन्होंने स्वीकार किया और जैसे उन्होंने छीना गया और जैसे उनको प्राप्त हुआ बच्चे और ये सब मिला, इसमें उनका सरल स्वभाव और हृदय की निर्मलता की वजह से का कारण है इसके पीछे। बिल्कुल। तो संभाव का यहाँ पर जो अर्थ ये महात्मा लोग या जो ज्ञानी पुरुष बताते हैं ये ठीक नहीं है। संभाव का मतलब है कि दुख में आप कितना बढ़िया रोते हो, दुख में आप अगर सब रोते हैं तो उनसे बढ़िया रो और बहुत भाव विहल होके रो, और भाव विहल रो अगर कोई टेम्परेरी दुख में अगर आप बहुत बढ़िया रो रहे हो और अगर आपका हृदय निर्मल नहीं है, स्वभाव आपका सरल नहीं है, तो आप तो बनावटी रोओगे ना जी। बिल्कुल। और जब बनावटी रोओगे तो पकड़ आएगी जी। और जब जब अंदर से भाव विहल, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार चार चीजें हृदय में है, अगर हृदय निर्मल है तो वो भाव विहल होकर के रोएगा, और जब भाव विहल होकर के रोएगा तो लोगों को ये दिखाएगा कि भाई साहब बहुत दुखी हुए, इसका मतलब है दुख में रोने के समान अंतर आए, जो वहां रुदन हो रहा था उस रुदन में आप समान अंतर आ गए, समान अंतर, और बहुत अच्छी स्थिति से आए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जो है ना भाव विहल रो रहे, वो लोग तो बनावटी रो रहे हैं, कुछ तो दुखी हो रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी की वजह से रो रहे हैं, किसी ने अपना कुछ खोया इसलिए रो रहे हैं, मगर आपका तो कुछ गया नहीं, आप तो उसमें भाग लिया था आपने, मगर आप भाव विहल होकर के रोए हैं, इसलिए आप रुदन में समानांतर आ गए। तो इसको इसको समानांतर माना जाना चाहिए, ना कि दुख में दुखी नहीं होना, सुख में दुखी, वो समानांतर नहीं, वो ठीक नहीं है, वो भ्रामक है। इसमें हाँ, इसमें एक वो एक दोहा एक कहा गया कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो न समाए। और दूसरे तरीके से अगर देखेगा, जब मैं जब हरि था तब मैं नहीं, और अब हरि है तो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं जी। स्थिति ऐसी है कि एक स्थिति एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती, तो ऐसे ही जो जीव की हृदय की एक प्रणाली है, उस प्रणाली में दो चीजें नहीं आती, दो चीजें आती, निर्मल हुआ जी तो आपका स्वरूप, और निर्मल नहीं है तब आपके सतोगुण रजोगुण तमोगुण और जगत, तब जगत। निर्मलता तो, और सरलता, ये दो सरलता। हाँ, जिसके जिस व्यक्ति के भीतर निर्मलता है और सरलता है तो उसके जितने भी वो कर्म है वो सारे संभाव वाले हैं, संभाव के हैं। अच्छा, एक और छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है, वो आपने एक बार सुनाई थी मुझे। हाँ। नानक जी का एक शिष्य था जो मांस का व्यापार करता था। हाँ, सदना, सदना, सदना कसाई। तो उसका सदना। भी बड़ा संभाव था, संभाव तो, हाँ, उसका 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 बताइए कुछ। नहीं, वो नानक जी के दो
बाला मर्दाना दो शिष्य थे, तो नानक जी हमेशा जब उठते बैठते तो सदना कसाई को परम शिष्य बोलते वो। अच्छा। तो वो ये दोनों शिष्य ना इस बात से ईर्ष्या रखते कि नहीं जी मैं सेवा करता हूँ, रोटी बनाता हूँ, गठरी उठाता हूँ, इधर से उधर ले जाता हूँ, आपकी पैर दबाता हूँ, सारी सेवा मैं करता हूँ, और वो मांस काटता और वो कर रहे तो वो उसको आप परम सिद्ध बोलते, ये हमारे के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी थोड़ी बेइज्जती हमें महसूस होती है। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि चलो आज बाला मर्दाना सदने के घर चलते हैं। बोला चलो महाराज। तो सदने ने वो उसने धार लगा करके उसके ऊपर और घुटने पे रखकर उसका जीवा करने जा रहा था, तो उसने गुरु नानक जी ने ये कहा कि वो सदने गुरुवाणी में है ये सदने की करदा पया गल गल बटके हत्या कमांदा पया। तो उसने जो तलवार ऐसे जो छुरी उठा रखी थी उसने बोला कि महाराज आप और इस तरह की गल कर रहे हो, इस छुरी में और मुझ में और इसमें वही एक का एक है, तो एक ने तीनों जगह एक है, तो एक ने एक को कैसे गल बटी, हत्या कैसे करी, हुई नहीं हत्या, ने तो हुई नहीं। उसका कर्तव्य जो है उसका कर्तव्य सरल और निर्मल है, निर्मल है, सरल और निर्मल है। वो ये चीज नहीं जानता, ये चीज नहीं जानता है कि मैं आपको दूसरे तरीके से एक बताता हूं। मैंने एक कल एक बात करी थी कि अगर विवेकी पुरुष किसी चीज की विवेचना करके और गहराई में चला जाता है तो ऊपर वाले लोग अगर कोई सत्संग कर रहे हैं, कोई भाव कर रहे हैं, तो अगर वो इस तरह के कर रहे हैं तो वो व्यक्ति गंभीरता के कारण, वो व्यक्ति गंभीरता के कारण चुप रहता है। इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो मूल तक गहराई तक सब जानता है, तो सब मूल तक गहराई तक वो जो सब कुछ जानता है, इसलिए वो जानता है कि तुम लोग एक स्तर के ऊपर बात कर रहे हो मगर मैंने विवेचना की, मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं पहुंच रहे हो। तो वो अपनी गंभीरता दिखाता है, धैर्य दिखाता है, ये दो फिर धारण करता है, धैर्य और गंभीरता को धारण करके वो साइलेंट रहता है और वो ये जानता है, वो अंदर से जानता है। तो जानना और मान लेना इनमें अंतर है, अनुभव में और अनुमान में इनमें अंतर है, और जो यथार्थ है और जो काल्पनिक है इनमें अंतर है। तो अब निर्मल भाव से और सरल स्वभाव से ही पकड़ा जा सकता है उसको, और किसी से पकड़ में नहीं आता हूं। जो एनर्जी है वो एक निर्मल है, अपने में निर्मल है, वहां उसमें कोई राग द्वेष नहीं है कि किसको देगी और किसको नहीं देगी। तो और एक तो वो निर्मल है, दूसरी सरल है, वो सरल है, वो अपने जो नियमित रास्ता है उसमें रहती है, किसी के भाईबंदी से लेफ्ट राइट नहीं होती। तो उसमें एक सरलता है और उसमें एक निर्मलता है। तो निर्मलता चीज को और सरलता चीज को आप उसी भाव से पकड़ सकते हो, पैसे नहीं पकड़ सकते हो। तो आपकी सरलता जीवन की और आपके हृदय की निर्मलता, तो ये चीज जो है, ये चीज होना बड़ा जरूरी है। तो इस पे इसीलिए संभाव, संभाव का मतलब ही यही है कि जो चीज आपके प्रत्यक्ष है आप उसके समानांतर। कृष्ण भगवान गोपियों के सामने गोपियों के समानांतर है, अप्रत्यक्ष स्थिति ग्वालों पे नहीं बात करते हैं, और ग्वालों के समानांतर है तो ग्वालों की बात करते हैं, युद्ध के समानांतर युद्ध की बात करते हैं, माँ के समानांतर माँ की बात करते हैं। तो कृष्ण भगवान एक समानांतर स्थिति में है, वो उस समान स्थिति में नहीं बोलते हम युद्ध में हत्या हो जाएगी हम नहीं करेंगे, नहीं, युद्ध में आए हैं बढ़िया तरीके से युद्ध करेंगे, मारेंगे हम ही, मगर हम जाहिर नहीं होने देंगे हमने तुम्हें मारा, तो बढ़िया युद्ध किया उन्होंने, तो महाभारत बढ़िया करी। तो इस तरीके से आप कितना किसी काम को आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, किस चीज की कारीगरी है, तो बढ़िया तरीके से जब ही होगी जब आप उसकी गहराई तक आप गए होगे। अगर आपकी विवेचना आपकी छानबीन माइंड की नहीं गहराई तक गई है तो आप ऊपरी स्तर पर उतना बढ़िया कार्य नहीं कर सकते। ये उसने जो समानांतर की बात कर रहे हैं, संभाव, संभाव, संभाव सामने वाली परिस्थिति के लेवल का भाव, सामने वाली परिस्थिति के लेवल का भाव, तो इस ना कि
बताइए ना कि आप अप्रत्यक्ष जो दुख है या सुख है उसके अपोजिट तुलनात्मक शक्ति की नहीं बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुलनात्मक शक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समानांतर शक्ति की। बिल्कुल कि सामने का है जी, परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार जो भी कार्य सामने है उस कार्य को, उस कार्य को सरलता से और पूरी तरीके से कंप्लीटली उस कार्य को करना बिना अपनी अपनी जो बुद्धि है, बिना लाभ हानि सोचे हुए, बिना कैलकुलेशन के, बिना प्लानिंग के उसको करना, वो निर्मल 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 हमने निर्मल निर्मल शब्द लिया है ना, तो निर्मल शब्द इसलिए मैंने लिया है कि वहां पर मन बुद्धि चित्त और अहं चार चीजें हैं। अगर चार चीजें ऐसी हैं तो जगत है, और अगर चार चीजें ऐसी हैं, देखो मैं उसमें फोटो में अपने दिखा रहा हूं, अगर चार चीजें ऐसी हैं तो एक है, देखो चार चीजें एक हो गई, मगर ये चार चीजें ऐसे हैं तो ये अलग अलग है, तो ये अलग अलग है तो ये अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करती है चारों को, ये तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं जी वो कर रहा है वो ठीक नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो इनमें विवाद है, मगर ये एक मत है, एक मत है, एक लाइन में है। तो नानक जी भी यही कहते हैं कि कौन सी एक ने कही और दूसरे ने मानी, एक ने कही और दूसरे ने मानी, नानक कहे कि दोनों दोनों ज्ञानी, एक ने कही और दूसरे ने मानी, और नानक कहे कि दोनों ज्ञानी, अर्थात ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं, ऐसे करके आई, एक ने कही और एक ने मानी, दोनों समानांतर पैरेलल में। तो ये चीज पैरेलल, हाँ बिल्कुल, गीता में ये जो संभाव और भी श्लोक में आया है शर्मा जी, बहुत सारे श्लोक हम आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें संभाव काफी उन्होंने यूज किया है कृष्ण जी ने। तो यदि संभाव का यदि यथार्थ समझ है और सच में ही संभाव है ना, तो गीता समझी जा सकती है, गीता का जो है ना मूल है, भगवान कहना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें गीता में कही गई हैं, मगर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे संभाव है और गुणातीत, गुणातीत संबुद्धि योग, एक और शब्द आएगा आगे संबुद्धि योग, संबुद्धि योग भी यही है संभाव भी, ठीक है, तो एक दो और शब्द है, तो उन शब्दों पे और भी हम एपिसोड्स में लेंगे उन शब्दों को भी, ताकि गीता के जो बीच बीच श्लोक भी करेंगे तो उस वो श्लोक ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आ सकते हैं, हाँ। है ना, तो ये चीज आज क्लियर हो गई आज की हमारे बातचीत में कि समभाव का मतलब ये नहीं होता कि दुख है तो हम दुख से अलग हो गए, सुख आया तो सुख से अलग होगा, ये अलग होने की प्रक्रिया नहीं है, है ना, ये एक होने की प्रक्रिया है, जो परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के साथ बिल्कुल पूर्णतया एक हो जाना उसके साथ, हाँ समानांतर, कोई भी परिस्थिति आए समानांतर, अपने को बिना बचाए हुए, अपने को बचाना नहीं। तो आपकी आपकी कहानी में महात्मा जी समानांतर हैं, समानांतर हैं, जो जो महात्मा है ना, हाँ बिल्कुल, उन पे लांछन लगा, उनको ये कहा गया कि ठीक है बच्चे को भी आप रखेंगे, लड़की को भी आप रखेंगे, कोई बात नहीं ठीक है रख लेंगे, ठीक है रखा, और ये नहीं कि 6 महीने साल भर, उन्होंने काफी सालों रखा, बच्चा बड़ा भी हो गया था, तो वो तो लड़की को काफी बाद में पश्चाताप हुआ कि नहीं ये मैंने गलत काम किया है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर गांव वाले हाथ जोड़ते हुए आए उनसे माफी मांगने के लिए, फिर भी वो सहज थे, सहज थे कि ठीक है आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पहले रख के आए थे अब आप ले जाओ। सत्येंद्र इसमें जो निर्मल, जब हम निर्मलता की बात करते हैं तो निर्मलता में किसी से लगाव नहीं होता, निर्मल जब हृदय निर्मल होता है जी, तो बिना कहे, देखो प्रेम छिपाए ना छिपे और जाघट प्रगट हो, देखो निर्मल भाव की बात कर रहे हैं, हृदय जिसका निर्मल है, प्रेम छिपाए ना छिपे जाघट प्रगट हो, और गर्म मुख से बोले नहीं नैन देख हो रोए, तो इसका मतलब ये है आपका हृदय निर्मल है,
तो निर्मल का निर्मलता के कारण अगर आपको कहीं से कुछ दूसरे की फीलिंग अपनी फीलिंग समझते हो, तो दूसरे की फीलिंग अपनी फीलिंग समझते हो इसलिए क्योंकि आप निर्मल हो, और निर्मल में किसी का लगाव या राग दोष या ये मेरा या तेरा ये नहीं होता। निर्मल में ये सब नहीं है। निर्मल एक व्यापक स्थिति है, केंद्र में उसका हृदय काम करता है, वो एक फैली हुई स्थिति है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी फैली हुई है। तो जो बहुत बड़ी व्यापक में एनर्जी फैली है वो ब्रह्मांड के किनारे तक भी जा सकती है और परमात्मा में बाहर भी जा सकती है। केंद्र से तो जाएगी आपकी हृदय निर्मल से जाएगी तो यहीं से। तो इसलिए वो उनके दुखों में मुंह से तो बोलता नहीं बेचारा, मगर आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कई बार ऐसे हो जाता है, अंदर से मन व्यथित हो जाता है, तो इसका मतलब निर्मल भाव है। उसका निर्मल भाव है। निर्मल भाव में किसी तरीके का राग दोष ये सब नहीं होता। ये कहने की बातें हैं। एक बार हृदय किसी का निर्मल होने दो, उसके बाद उससे पूछना कि भाई साहब अब बताइए। ये तो कहने में अच्छा लगता है कि भाई साहब हृदय निर्मल होना चाहिए, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका वो हो जाए, ये कहने में अच्छा लगता है। मगर अगर एक बार हृदय निर्मल हुआ तो वो व्यक्ति बताया सही बता सकता है कि उस पर क्या बीत रही है, उस पर क्या बीतती है। तो निर्मल एक ऐसी स्थिति है, निर्मल स्थिति एक ऐसी स्थिति नहीं है कि पार्टिकुलर तुम्हारे अपने आदमी हो गए, वो तुम्हारे अपने और गैर के आदमी, गैर वो गैर, ऐसा नहीं होता। निर्मल निर्मल होता है, एक व्यापक एनर्जी फैली हुई होती है। तो वो जो आदमी निर्मल का हृदय निर्मल नहीं है और बुद्धिगत और अपना इसमें वो काम कर रहा है, वो इसका वर्णन करे तो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, वो वर्णन सही कर ही नहीं सकता। वो जो निर्मल भाव वाला ही अगर आपको कुछ बता दे तो वही आपके काम की चीज है, वही आपके काम की। ठीक है सर, मुझे आज की बातचीत से उम्मीद है कि जो देख रहे हैं उनको संभाव काफी समझ में आया होगा कि संभाव का असली उसका यथार्थ मतलब क्या है, और उसका एक जो फॉल्स मीनिंग लोग बताते हैं कि है ना कि दुख में अफेक्टेड नहीं होना, दुख से अलग हो जाना, सुख आए तो सुख से अलग देखना अपने आप को, तो ये थोड़ी भ्रामक स्थिति है। और सही स्थिति क्या है उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी ऐसे ऐसे शब्द को लेंगे जो शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ओके, मगर उसको यदि चर्चा की जाए, एक स्वस्थ चर्चा की जाए, और तो उसमें हम उसका एक ट्रू मीनिंग जो है, असली मतलब जो है, वो हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।